हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो अकेडमी में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों आम तौर पर सांप चंदन के पेड़ से ही लिपटे रहते हैं। कई बार किताबों में ये पढ़ा होगा कि आम तौर पर सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर सांप केवल इसी पेड़ से क्यों लिपटे रहते हैं? जी हाँ, यकीनन हम में से ज़्यादा लोग इसके पीछे की असली वजह नहीं जानते हैं, इसलिए आज मैं आपको इसके पीछे की असली वजह से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं कि सांप को चंदन के पेड़ की महक पसंद होती है, इस वजह से वह इस पेड़ से लिपटे रहते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वास्तव में ये सही कारण नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक काफी समय पहले ही यह बात साबित कर चुके हैं कि सांप में सूंघने की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि वह चंदन के पेड़ की महक को महसूस कर ही नहीं सकते। हालांकि वह अपनी जीभ को बार बार जरूर निकालते हैं ताकि वह अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में सांप चंदन के पेड़ की खुशबू की वजह से नहीं, बल्कि खुद को ठंडा रखने के लिए इस पेड़ से लिपटे रहते हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि चंदन का पेड़ काफी ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ सांप को ठंडी जगह पर रहना काफी पसंद होता है। जी हाँ, सांप एक ऐसा जीव है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अगर हो सके तो गर्मियों के दिनों में भूल कर भी ऐसी जगह के आसपास से न गुजरें जहाँ सांप बसते हों या फिर जहाँ पे चंदन का पेड़ हो, वरना ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो खुद की चमड़ी को ठंडक पहुंचाने के लिए ही सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। यहाँ तक कि सांप पेड़ पर केवल एक जगह नहीं बल्कि चारों तरफ लिपट जाते हैं ताकि वह पूरा समय अपने शरीर को ठंडा रख सके। वैसे हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके आसपास चंदन का पेड़ हो तो आपको सावधान रहने की काफी जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि कब कौन से बिल से सांप निकलकर आपके सामने आ जाए ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए अगर हो सके तो अपना ध्यान रखें और चंदन के पेड़ से बचकर रहें। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।